पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ हीरो मैराथन 2022 की शुरुआत आज सुबह गोल्डन गेट से हो गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा लेने के लिए देश के कोने कोने से बच्चे, युवा, महिलाएं व पुरुष इस मैराथन का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। बीएसएफ की तरफ से आयोजित की गई इस मैराथन में विजेताओं को कैश प्राइज दिए जा रहे हैं, जिन्हें बॉलीवुड के स्टार सुनील शेट्टी देंगे। 42 किलोमीटर दौड़ का हिस्सा बनने के लिए युवा गोल्डन गेट पर इकट्ठे हुए, जहां बीएसएफ एडीजी वेस्टर्न कमांड पीवी रामा शास्त्री मुख्य रूप से पहुंचे। उन्होंने 42 किलोमीटर दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दौड़ अमृतसर बाईपास खासा होते हुए सीधा अटारी बॉर्डर पर जाकर ख़त्म होगी। वहीं 21 किलोमीटर दौड़ की शुरुआत वार मेमोरियल इंडिया गेट से शुरू की गई है। वहीं 10 किलोमीटर दौड़ को खासा के पास से रवाना किया गया। बीएसएफ ने इस साल विजेताओं के लिए कैश प्राइज की घोषणा की है। 42 किलोमीटर दौड़ के विजेता को 1,00,000, दूसरा स्थान पाने वाले को 50,000 और तीसरा स्थान पाने वाले को 30,000 रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह 21 किलोमीटर के विजेता को 50,000, दूसरा स्थान पाने वाले को 30,000 और तीसरा स्थान पाने वाले को 20,000 रुपये दिए जाएंगे। 10 किलोमीटर दौड़ के विजेता को बीएसएफ ने 25,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। वहीं दूसरा स्थान पाने वाले को 15,000 और तीसरा स्थान पाने वाले को 10,000 रुपये इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी अमृतसर पहुंचे हैं। सुनील शेट्टी विजेताओं को अटारी बॉर्डर पर रिसीव करेंगे। इतना ही नहीं, विजेताओं को कैश प्राइस भी सुनील शेट्टी ही देंगे। बीएसएफ हीरो मैराथन 2022 का हिस्सा बनने के लिए सुनील शेट्टी अपनी पत्नी माना शेट्टी के साथ शुक्रवार शाम ही अमृतसर पहुंच गए थे। देर रात सुनील शेट्टी ने गोल्डन टेंपल में माथा टेका। इसी दौरान उन्होंने काफ़ी समय अपने फैंस के साथ भी गुजारा। लोगों ने शेट्टी के साथ सेल्फी भी ली। इतना ही नहीं, शेट्टी ने अपनी पत्नी के साथ गोल्डन टेंपल के समक्ष काफ़ी सेल्फी ली। नाउ स्टार टीवी की जे रिपोर्ट। मैं फरजिंदर दीवान बीएसएफ की तरफ से हूँ। मैं फुरजिंदर दीवान बीएसएफ की तरफ से हूँ। 21 किलोमीटर मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, यूथ इससे नशों से बचेगी और अच्छी तरफ जाएगी। बहुत ही अच्छा ये काम किया है बीएसएफ की तरफ से, ये हाईली अप्रिशिएटेड है। थैंक यू। कितने किलोमीटर की? 21 किलोमीटर। इससे पहले बड़ी भी दौड़ है? 42 किलोमीटर की है। इससे छोटी मैराथन है और उसकी छोटी 10 किलोमीटर की। नाम भी रखा गया है जी। सर मेरा नाम चित्रा है और मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से ही हूँ एज ए महिला कांस्टेबल। और मैं जो लोग सो रहे हैं, आपने भी सवाल किया था, उनको जवाब देना चाहूँगी। सुबह उठने और उठ के अपने फिटनेस का पूरा पूरा ध्यान रखें। फिटनेस अपने लिए बहुत ज़रूरी है सर। ये 21 किलोमीटर दौड़ है सर। और आजकल जो युवा नशे में डूबे पड़े हैं पंजाब में, हिंदुस्तान में, क्या मैसेज है? नशा छोड़ दिया है? नशा छोड़ के सर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेरे लिए उनके लिए यही मैसेज है सर। जी मेरा नाम लवप्रीत सिंह है जी। तो असं जी फिरोजपुर तो आए हैं, पिंड कॉलोनी ठाठ जी, 136 बटालियन। जी जेड़े आए थे जी नौजवान जी, गलत पीढ़ी वाल जा रहा जी। जिदा जी कह लो जी, कोई ला रहा जी स्मैक, ला रहा जी टीके, ला रहा जी दारू पी रहा, दारू पी पी जी नाले डिगी जाते जी। पंजाब की जवानी जी गलत रस्ते पै रही आ। इस लिए जो बीएसएफ वालों उपराला किया गया जी, ये बहुत ही चंगा उपराला है जी। इस यो जो उपराले जी हर बार होने चाहिए जी। किन्ने किलोमीटर दौड़ दौड़ जा रहे जी? अच्छ 21 किलोमीटर दौड़ है जी। सर फस्ट टाइम है जी। लोगों यही संदेश है जी, गलत काम छड़ के जी आपदे जी जिहड़ा शरीर वाला ध्यान दो जी। ठीक है जी, कहिंदे आ कि सेहत है जी तो सेहत नाल सारा कुछ है जी। ठीक है जी, मेरा तो यो अपील है जी, जदों भी कोई भी यहोजा हुंदा पार्टिसिपेट जरूर करो जी। पंजाब की जवानी जी नशे वाल जा रही है, उस हट के जी चंगे कमां ले पाऊगी। हाँ जी सर, नौजवान पीढ़ी में जी यो संदेश है जी, नशे छड़ के जी चंगे रास्ते वाल पाओ। पूर्ण कौर अमृतसर। मेरी 65 साल तो उपर है, थोड़े 2 महीने। दौड़ शामिल हो गया, मैं सब बच्चों ने यह संदेश देना चाहनी हाँ कि ये भी एक खुशी है, है ना, तो नशे अवॉइड करना चाहिए। कि वाला जी
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਦੌੜਨ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ ਕਰਾਂਗੀ, 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ? ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਸਿੱਖ ਚ ਗਈ ਸਾਂ ਜਲੰਧਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਪੂਰਨ ਕੌਰ। ਉਦੋਂ 3 ਘੰਟੇ 7 ਮਿੰਟ ਚ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ। 3.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਪਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੌੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।